This is अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग को जोसा राउंड टू का अलॉटमेंट मिल चुका है, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको कि कोई सीट नहीं मिला या फिर आपको जो सीट मिला उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माई इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सारे बच्चे जिनको कि कोई सीट नहीं मिला या फिर आपको जो सीट मिला उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ड्रॉप लेना चाहिए या और भी ऑप्शन है? तो पहले हम बोलेंगे आपको कि आप सारा ऑप्शन को ट्राई कीजिए जेई के बेसिस पे, या फिर अपना प्राइवेट एग्जाम जो भी दिए हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आपका बोर्ड का स्कोर अच्छा है उसके बेसिस पे भी बहुत सारे कॉलेज अक्रॉस इंडिया जिसके लिए हम गाइड कर रहे हैं पिछले 6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू। तो आपको अगर गाइडेंस चाहिए उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट हम कुछ काउंसलिंग के नाम बताने जा रहे हैं, उसको ट्राई आउट करके ही लास्ट तक उसके बाद आप ड्रॉप के लिए जाए, अदरवाइज 1 साल आपका वेस्ट हो सकता है। लगेगा 1 साल है लेकिन प्रिपरेशन का टाइम 5-6 महीने ही बचे, फिर जनवरी में एग्जाम हो जाएगा और बट आपका जो लॉस होगा वो पूरा 1 साल का होगा, 1 एकेडमिक ईयर आप पीछे चले जाएंगे। तो यहां पे जैसे ऑप्शन है जोसा में, अगर नहीं हो रहा जोसा का सबसे पहला बैकअप ऑप्शन है सीएसएबी काउंसलिंग, उसमें जोसा का जितना सीट बचा रहेगा 90 IIIT जीएफटीएम वो सारा सीट आपका सीएसएबी काउंसलिंग से फिल होगा। 2 राउंड वहां पे होगा, क्या शेड्यूल है वो सब बता चुके हैं। नेक्स्ट मंथ 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा उसका काउंसलिंग और उसके लिए हम गाइड करेंगे आपको, उसका क्या प्रोसीजर है उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा इस चैनल पे। तो वो एक हो गया, उसके बाद जैक दिल्ली अगर आप रजिस्टर करके रखे हैं तो लास्ट तक जाए, उसमें भी चांसेस रहेगा। जैक चंडीगढ़, यूपी टेक काउंसलिंग, एमएसटी सीईटी, फिर इसी तरह से डब्ल्यूपीजेई जेई, इसी तरह से फिर आपका थापर काउंसलिंग है और फिर ACCC का काउंसलिंग जेई के बेसिस पे हो रहा है, इसको भी आप कर सकते हैं। या बोर्ड के मार्क्स पे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो उसके लिए मणिपाल जयपुर है, वेनेट यूनिवर्सिटी, यूपीएस देहरादून, एलपीयू, फिर आपका क्या कलिंगा। अगर आपका एवरेज है कि एक डिसेंट टाइप का कॉलेज मिल जाए, कुछ कॉलेज में से उतने भी अच्छे नहीं है बट हाँ कुछ कुछ कॉलेज बहुत सारे अच्छे हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होता है। काउंसलिंग मतलब कि आपको बेस्ट किस में जाना चाहिए, काउंसलिंग का मतलब ये होता है काउंसलिंग करा के आप अपने लिए जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसमें जा सकते हैं, तो उसके लिए कंप्लीट गाइडेंस देंगे हम। और अगर आप कॉमेंट के कॉलेज में लेना चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन, उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और आपका अगर कॉमेंट के का रिजल्ट है तो उसका काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे। बाकी बेडसेट है, जो भी काउंसलिंग आप कराना चाहें सबके लिए जुड़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबको ट्राई करें उसके बाद लास्ट में जाकर एडमिशन लें। और जोसा में अभी 2nd राउंड हुआ है, 2nd राउंड के बाद अभी 3rd, 4th, 5th होने वाला है, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो इसको आप पेशेंटली करें, फिर सीएसएबी में जाकर इससे भी अच्छा सीट आपको मिल जाएगा अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हैं, क्योंकि सीएसएबी में रिस्क होता है, हो सकता है आपका सीट भी चला जाए, पेमेंट भी चला जाए और आपको सीट ना मिले और आपका एक्सेल बर्बाद हो जाए, तो इसलिए आपको अच्छे से करना है सब कुछ सही से ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब ऑप्शन ट्राई करके ही आप ड्रॉप या किसी चीज़ का डिसीजन लें, क्योंकि ड्रॉप करने से आपको लगेगा कि 1 साल लेकिन 6 महीना ही प्रिपरेशन का समय मिलेगा, बट आपका लॉस जो होगा वो पूरा 1 साल 1 एकेडमिक ईयर आप पीछे चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ सोच समझ के ही डिसीजन लें, उसके लिए गाइडेंस चाहिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सारा कुछ। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा। इससे कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए दोसा, सीएसएबी, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एमएससी सीटी, बीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, ACCC, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किस में लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।